गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। इतने सालों से हम आपसे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं सर, और अभी तक सीख रहे हैं। आप हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं। कभी कभी हमें ये जानने की इच्छा होती है कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसे गुरु आए हैं जिनसे आपने कुछ सीखा हो, या आपने कभी कुछ उनसे सीखने की इच्छा रखी हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं टीचर हूँ या गुरु हूँ। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, था, है और रहूँगा। बल्कि आप एक बहुत निपुण टीचर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, और जो भी इंसान जो अपने ज्ञान को या नॉलेज को, एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ बांटता है, उसे ही टीचर कहा जाता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जीवन के दो भाग हैं, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक आपकी पर्सनल लाइफ, और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन में, मेरे जीवन में मैं फील ब्लेस्ड, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे दोनों गुरु जो थे वो दोनों अपने आप में रियली गुरु थे, एक पर्सनैलिटीज थी। और उन दोनों गुरु का नाम जो मैं कहूँगा आपसे तो आप थोड़ा हैरान होंगे। मेरे पहले जो प्रोफेशनल गुरु थे उनका नाम था दिलीप कुमार, और दूसरे जो मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन के जो गुरु थे वो थे ओशो। अभी तक मैं दोनों को बहुत ध्यान से समझता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ उनको। और जब सुनते हैं आप ध्यान से तो उसकी कुछ विचार जो हैं आपकी पर्सनैलिटी में आते हैं। आज बड़ी इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों का बर्थडे 11 दिसंबर को एक ही दिन में है। अरे वाह! इसलिए हमने सोचा कि आज इसकी वार्तालाप की जाए कि इसकी, जी हाँ, कि दोनों ही 11 दिसंबर को पैदा हुए और दोनों पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम बने। अपने बचपन में मैंने उनकी बहुत सी फिल्में देखी, बार बार देखी। उनकी बहुत बेहतरीन फिल्मों में से जो मुझे पसंद थी वो थी दीदार, अंदाज, गंगा जमुना, मुगले आजम, राम और श्याम, कोहिनूर। उन्होंने तरह तरह के किरदार किए, कॉमेडी से लेकर ट्रेजेडी किंग तक वो जाने जाते थे। एक सुपरहिट फिल्म थी नया दौर। दिलीप कुमार साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की, विधाता, कर्मा, सौदागर। और मेरा 20 साल उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा, तो उसमें मैंने जो उनसे सीखा वो खाली सिनेमा ही नहीं सीखा, या सिनेमा एक्टिंग या कैरेक्टर्स की प्लेइंग, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में से उसी तरह से आया था जैसे हर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है, एक ड्रीम्स लेके उसको स्टार बनना है, बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, पावर कमानी है। लेकिन जब से मैंने दिलीप साहब के साथ काम करना शुरू किया उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। वे अपने प्रोफेशन को देखने का जो मेरा दृष्टिकोण था वो बदल गया, क्योंकि मैं उनको देखता था कि वो एक्टर से भी ऊपर एक इंसान है, एक फिलोसोफर है, एक डीप प्रोफाउंड पर्सनैलिटी है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से गुस्सावर तबीयत थी उनकी, खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत होंगे। और उस वक्त 2-3 नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए, और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए। तो बाद में कुछ कई 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपना खुद इश्तिहार में नाम देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार था। मैं जब भी कोई समस्या लेकर जाता था तो मुझे इतने प्यार से समझाते थे कि हाउ यू शुड टैकल योर लाइफ एंड हाउ शुड यू टैकल द प्रॉब्लम्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। कुछ एक याद आता है? हाँ, बहुत कुछ बातें हैं कि जब भी मैं उदास होता था तो उनके पास जाता था मैं, तो मुझे कहते थे, देखो सुभाष, यू शुड नो वन थिंग दैट यू आर द बेस्ट बिकॉज यू कैन डू द बेस्ट, लेट द होल वर्ल्ड डज वर्स टू यू बट यू आर द बेस्ट बिकॉज यू कैन डू द बेस्ट, सो इट इज़ योर जर्नी।
तो मुझे वो ये बात इतने मन में लग गई, अगर मैं बेस्ट हूँ तो दुनिया में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो या ये है, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और दिलीप साहब को कौन नहीं जानता जी। कि एक से बढ़कर एक उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए हैं। वो एक्टर ऑफ मिलेनियम रहे, नंबर वन एक्टर, नंबर वन पर्सनैलिटी, नंबर वन स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, नंबर वन स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, नंबर वन नेशनलिस्ट, नंबर वन फिलोसोफर। मैं जितने भी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि मैंने अपनाया है उनमें से। दिलीप साहब के साथ मैंने इतनी मेरी यादें हैं जुड़ी हैं, जो हर याद है वो अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब मैं फिल्म ताल बना रहा था जी। तो मेरे वो एडिटिंग रूम में एक दिन घूमते घामते वहाँ पहुँच गए मिलने के लिए। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने उनको आदर दिया और मैंने बोला, सर मैं आपको सीन दिखाना चाहता हूँ। तो वो सीन जो जिसमें ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना योगा कर रहे हैं, यू नो, तो वो सीन दिखाया और वो सीन बहुत स्लो था और मैं डर रहा था कि ये कैसे लगेगा इनको। तो बड़े प्यार से वो देखते रहे और कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ही पूछना पड़ा उनको कि आपको ये सीन कैसा लगा। तो मुस्कराने लगे, कहने लगे, दुनिया रफ्तार से चल रही है और तुम अपनी रफ्तार को धीमे कर रहे हो। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर आगे जाके बोले कि देखो, जो धीमी रफ्तार वाले होते हैं क्लासिक फिल्म्स, वही बना सकते हैं। तो मुझे अभी तक वो बात भूलती नहीं, जब भी बच्चे लोग ताल की तारीफ करते हैं या कई भी मोमेंट्स जो उनके साथ मैंने गुजारे, जैसे उनके सीन्स थे, चाहे सौदागर के थे, चाहे वो विधाता के थे, चाहे कर्मा के थे, उनके जो पॉजेस थे, उनकी जो एक मॉइस्ट आइज, जो उनकी डीपर वॉइस, दो क्वालिटीज दिलीप साहब की बहुत कमाल थी। और जो पॉजेस लेते थे रिएक्ट करने में और एक्ट करने में, इसीलिए वो हिंदुस्तान के सर्वोत्तम एक्टर्स में से माने गए। अगर आज हॉलीवुड में लॉरेंस ओलिवर हैं, अल पचिनो हैं, मार्लिन ब्रांडो हैं, डस्टिन हॉफमैन हैं, जैक निकल्सन हैं, कितने बड़े बड़े महान एक्टर हैं, तो हम भी ये गर्व महसूस कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के मार्लन ब्रांडो दिलीप कुमार साहब हैं और मैं उनका शिष्य रहा हूँ और मेरे गुरु रहे हैं। मैं इस जन्मदिन पर मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं अभिमान महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ। दिलीप साहब सक्सेस को कभी भी गारंटी नहीं लेते थे। मेरी कभी भी फिल्म हिट हो जाती थी तो मैंने कहा था, दिलीप साहब मेरी पिक्चर हिट हो गई है, बोले चलो खुदा ने ये गलती और माफ़ कर दी तुम्हारी, अब अच्छा काम करके दिखाओ यार, है ना। ये तो कर दिया, वो तो कर दिया तुमने, है ना। तो आप सोचो कि जो अपनी सक्सेस पर भी हंसे और जब अपने दुखों पर भी हंसे और जो हर चीज़ में एक सोचने की दृष्टिकोण ही उनकी अलग थी। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर बाई हिमसेल्फ आई वुड से। सो मैंने बहुत कुछ बातें सीखी उनसे। और जो दूसरे गुरु मेरे जीवन में आए, उनका नाम था ओशो। और ओशो जो नाम है, आचार्य रजनीश फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रचारक बने, अपने लेक्चरर बने। और ओशो नाम जो है उनको दिया गया इसलिए कि ये जापानीज वर्ड है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जो आदमी एक्सपेंड करता है कॉन्शियसनेस को आपकी, जो आपकी सोचने की शक्ति में फ्रीडम लेकर आता है, सोचने की शक्ति और आगे बढ़ाता है, आपके व्यक्ति निर्माण में आपका योगदान करता है, उस फिलोसफर को ओशो कहते हैं। और इसीलिए वो ओशो बने। मैं उन्हें 30 साल से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ और प्रतिदिन सुनता हूँ मैं उनको। ओशो ने मुझे समझाया कि परमात्मा कुछ भी नहीं, एक परमात्मा है। ईश्वर कुछ भी नहीं, एक ईश का वर है जो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल एनर्जीज है। प्राणी कुछ भी नहीं, एक श्वास है। और प्राणायाम कुछ भी नहीं, एक श्वास की गति है। मुझे याद है कि अगर हमने एक बहुत बड़ा पुराना गाना था हमारा मदर इंडिया का, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। पर ओशो जी ने हमको ये समझाया कि दुनिया में अगर आए हैं तो हंसना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी सी जीवन यात्रा में अगर आप अपने दुखों को समेट लिया और अपने आप का सेहत को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को दुख दे दिया, तो ये तुम्हारा कसूर है। अस्तित्व ने तुम्हें आनंद दिया है, दुख तुम्हारी खोज है। तो इतनी बातें
उनके द्वारा मैंने समझी जीवन के लिए, तो जो कष्ट है या नेगेटिविटी है उससे मैं दूर ही रहा, ये मुझे ओशो ने दिया। सर आपके जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने ओशो इनको इतना पढ़ा है, तो कभी कोई ऐसी घटना है जो आपको याद आती है और आप इसका जिक्र करना चाहेंगे? अब आप देखिए, अगर ताल फिल्म मैंने बनाई, ताल फिल्म का एंड टाइटल क्या है, डू नॉट फॉल इन लव, राइज इन लव, ये ओशो की लाइन है कि अगर आप प्यार में गिर जाएंगे तो आपके घुटने टूट जाएंगे, यू शुड राइज इन लव। सबसे अच्छी बात जो ओशो में थी वो ये थी कि उनका हर दृष्टिकोण से सोचते थे, एक घड़ा है तो उसको चारों तरफ से देखते थे, वो कुछ ऐसा नहीं था कि उनका अपना ही दृष्टिकोण था, वो इस तरह के गुरु थे कि मैं ये सोचता हूँ इसलिए आप भी ये सोचो, वो बोलते वो कहते थे कि मैं समझता हूँ, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन आप में जागृति होनी चाहिए, आप खोजिए, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, फिर आप देखिएगा जीवन में कितना परिवर्तन होगा, समाज में, देश में, विश्व में। मैं तो कहूँगा कि विश्व गुरु रहे, क्योंकि उनकी सोच जो है वो एक आम आदमी से, आम सोच से, आम परंपराओं से बिल्कुल अलग है। मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए ओशो, मैं ये कहूँगा, तो मैं उनको हमेशा आभारी रहूँगा, उनको हमेशा अभिनंदन करता रहता हूँ। मेरी भावना में आपको लग रहा होगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं उनका प्रशंसक हूँ, लेकिन एनालिटिकल प्रशंसक हूँ, मैं एनालाइज भी करता हूँ उनको। नहीं, आपने दोनों जो नाम लिए अपने गुरुओं के, उसमें आपने दृष्टिकोण की बात की है, तो दृष्टिकोण समझना अच्छा है, ज़रूरी है। तो दोनों दृष्टिकोण समझाते थे, तो दिलीप कुमार साहब ने मेरे को प्रोफेशनल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल विजडम सिखाई, और इन्होंने वर्ल्डली विजडम, स्पिरिचुअल विजडम सिखाई, तो ये दोनों का मैं आभारी रहा नहीं। और आज मैं खुश हूँ कि 11 दिसंबर को इस हफ्ते उनका बर्थडे है, वो जहाँ भी हैं खुश रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद।